आप भी अगर चाहते हैं अपने चैनल को कस्टमाइज करना, अपने चैनल को आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और चैनल को प्रोफेशनल बना सकते हैं। जब कोई आपका अबाउट सेक्शन में आता है, आपका चैनल को देखता है, आप साइड में देख सकते हैं किस तरह लगता है, इस तरह का लगता है। तो आज आपको दिखाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं जो अपने चैनल को आप किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपका चैनल प्रोफेशनल नहीं लगता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप कस्टमाइज नहीं करते हैं तो लगता है ये न्यू चैनल है और इसे कुछ नहीं आता है, इस तरह का लगता है। अगर आप अपने चैनल को बेहतर बनाना चाहते हैं, व्यूज ज्यादा लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं जी इस वीडियो को स्किप कर करके देखें तो आप देख सकते हैं, इस वीडियो को स्किप करके भी आप देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अजहर, आप देख रहे हैं अजहर से यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सब्सक्राइब करने से होता क्या है, जो मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में। आगे दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन में सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र में। तो चलिए चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में। देख सकते हैं मेरा मोबाइल में कुछ इस तरह का दिख रहा है, आपका मोबाइल में कुछ दूसरे टाइप का दिखेगा क्योंकि मेरा थीम अलग है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस है, आपको सर्च बार में क्लिक करना है, आपको लिख लेना है youtube.com। तो चलिए लिख लेते हैं, देख सकते हो। अब सर्च में क्लिक करेंगे, सर्च में क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपका शायद 3 डॉट दिख रहा होगा, मेरा एरो का निशान है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको डेस्कटॉप साइड कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप साइड हो जाएगा। डेस्कटॉप साइड करने से होता क्या है, जो कंप्यूटर जैसा दिखने में लगता है। आप चाहे तो जितना हाईलाइट कर सकते हैं उसको कम कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब आपको क्लिक करना है अकाउंट में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का खुल जाएगा। ऊपर कोने में आप देख सकते हैं चैनल का लोगो बना हुआ है, यहाँ आपको जूम करके दिखाते हैं, देख सकते हैं ये वाला। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं क्रिएटर स्टूडियो, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, आप साइड में देख सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमाइजेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं। लेआउट को लेआउट में ही रहने देना है, कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप चैनल टेलर, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, देख सकते हैं। यार यहाँ पे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे अब सबसे पॉपुलर वीडियो आपको यहाँ पे लगाना है। अगर कोई आपका चैनल में विजिट करता है, आपका चैनल में कोई आता है तो सबसे पॉपुलर वीडियो उसको देखेगा। चले जूम करते हैं, आपके लिए हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड पर। ऐड पर क्लिक करते हैं, आपको वीडियो देख लेना है आपका कौन सा वीडियो पॉपुलर है सबसे ज़्यादा। आपको अगर ढूंढने से नहीं मिलता है तो आप यहाँ से सर्च करके भी ला सकते हो, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप सर्च करके भी ला सकते हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ऐड हो जाएगा, देख सकते हो आप। यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, आपको यहाँ पे लिखा है फ्यूचर वीडियो फॉर रिटर्नर सब्सक्राइबर। जब आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा तो आपको ये वाला वीडियो दिखेगा। यहाँ पे भी आपको इसी तरह का पॉपुलर वीडियो लगाना है तो ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस वाले वीडियो को लगा लेंगे। चलिए आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। ऊपर में देख सकते हो आप शॉर्ट वीडियो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपका न्यू अपलोड वीडियो। तो आपको करना क्या है, ऐड सेक्शन में देख सकते हो आप, हाईलाइट करते हैं ऐड सेक्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं, देख सकते हो पॉपुलर वीडियो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही मेरा जो पॉपुलर वीडियो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप जितना भी पॉपुलर वीडियो है सब आ गया है। 3 डॉट देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना है आपको, इसको रिमूव कर देना है शॉर्ट वीडियो को। चलिए इसको हाईलाइट करते हैं, आपको दिखाते हैं। अगर आपका लाइव स्ट्रीम है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वरना उसको खाली छोड़ सकते हो अगर आपका लाइव स्ट्रीम नहीं है तो। इस तरह से आपको चैनल कस्टमाइज कर लेना है। को पब्लिश में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप चैनल कस्टमाइजेशन हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, अच्छा सा कॉमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।